आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जब भी तुम्हें प्यार रुलाए तो घर के कचड़े में ये चीज जरूर डाल देना, फिर देखना इसके बाद रोना, परेशान होना, प्यार के लिए तड़फना और अकेले सारा दुख झेलना पूरी तरह से समाप्त। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश मसाई, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, आपके रिश्तों में प्यार भरने का साधन है, रिश्तों को प्रिपेयर करने का साधन। इतना ही नहीं, जो जोड़ियां आसमान में बनती होकर रिपेयरिंग सेंटर लगती है, ये सब कुछ निरंतर जारी रखा गया है और बड़े रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ अभी तक 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट 95% प्लस है। ये सब जारी है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास, ये सब मिल रहा है और हमारी तरफ से 4000 लोगों की एक बड़ी टीम आपके लिए काम कर रही है। हम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को मुहिम की तरह चला रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सब धन्यवाद की बात करें। हम रोज एक नई रिसर्च और पूरा शास्त्रोक्त रिसर्च आपके साथ साझा करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपको रिश्तों में रोना पड़ता है, अगर रिश्तों में आपको बिलखना पड़ता है, आपको रिश्ते में परेशान होना पड़ रहा है, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, क्या तुम हर हाल में अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते में जितनी भी कमियां हैं वो पूरी तरह से सर्वाधिक नष्ट हो जाए, आप चाहते हो कि अब रिश्ते में तुम्हारा पावर बढ़े, तुम लीड करो इस रिश्ते को, तुम जो बनाना चाहते हो इस रिश्ते को वो नहीं बन पा रहा है, ये सब चीजों का जवाब है हाँ, ये सब हो सकता है। तुम्हारी वैवाहिक लाइफ चाहे खराब हो और चाहे तुम्हारा लव रिलेशन खराब हो, दोनों को ठीक करने का एक अद्भुत साधना जिस प्रकार से घर को सुगंधित और सुव्यवस्थित और सुसज्जित करने के लिए घर का कूड़ा कचरा साफ कर एक डस्टबिन में डालने की आवश्यकता है, बिल्कुल वैसे ही आपके अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में जो गंदगी है उसे हटाकर एक डस्टबिन में डालने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां मैं आज आपको एक उपाय बताने वाला हूं कि डस्टबिन में क्या और कैसे डालें, दूसरी तरफ हम आपके लाइफ की डस्टबिन को भी थोड़ा सा सुडोल और सुव्यवस्थित करने वाले हैं। गंभीरता से समझना, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्यार के बारे में समझते हैं। जैसे अगर आप एक कचड़े में उल्टी सीधी चीज डालें, कभी सब्जी के छिलके, कभी फ्रूट्स के छिलके, कभी बाकी गंदगी, सब एक साथ डालते रहिए और वो बहुत समय तक पड़ा रहे, तो आपको पता है कि वो सारा का सारा कचरा एक रूप में हो चुका होगा, यानी खूब सारा काला हो गया होगा, सड़ गया होगा, उसका एक रूप बन गया होगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन रूपी अंदर भी एक डस्टबिन है, नाना प्रकार के ख्याल, विचार, फीलिंग्स तुम अंदर दबाते जाते, भरते जाते और वो कुछ और ही बनकर के बाहर निकलते हैं। केले का छिलका केले की तरह बाहर नहीं आएगा सड़ने के बाद, वो कुछ और ही बन के बाहर आएगा। वैसे ही अंदर जो तुमने अच्छे विचार भी डाले थे, वो भी बुरे विचारों के साथ सड़ करके कुछ और बनकर के बाहर आते हैं, जिससे तुम एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन और दुनिया भर की बातों के साथ जोड़ लेते हो कि ये सब चीजें कहां से आई, ये वहां से आती है जो तुम अंदर दबा के रखते हो। मैंने बहुत बार सिखाया है कि तुम रात में कैसे सो और सुबह कैसे उठो, अपने आप को आशीर्वाद कैसे दो और किन मंत्रों का अपने ऊपर प्रयोग करो, कार्मिक अकाउंट कैसे ठीक करो और अपने लव रिलेशन को ठीक करने के लिए क्या क्या बेसिक आवश्यकताएं उनको कैसे पूरा करो, ये सब मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया है, तुम पिछले वीडियोज में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। आज मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम डेली अपने आप को एनालिसिस करना शुरू करो, एनालाइज करो, खुद की गलतियां निकालो। दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है खुद की गलतियां निकालना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद की कमियां निकालकर बाहर रख पाना, विश्व का सर्वाधिक मुश्किल काम है अपने बारे में कुछ गलत गलत बोलना, खराब खराब बोलना। एक बड़े संत हुए, उनसे किसी ने कहा अपने बारे में, बोलिए स्वामी जी, पता क्या बोला,
बताता हूं। मोशम कोन अधम खल कामी, मेरे जैसा अधम, मेरे जैसा खल, मेरे जैसा कामी, मेरे जैसा धूर्त होगा कौन। ये जब बहुत विश्व स्तर का व्यक्ति बोल रहा है, उसमें कोई कमियां थी ही नहीं, तुम तो सब बहुत सामान्य इंसान हो, तुम्हें तो कितना ही करना चाहिए, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, तुम्हें बताए जाने के बावजूद भी तुम्हें ज्योतिष से, टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, दुनिया भर के तरीकों से बताया सिखाया जा रहा है, इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं भगवान की तरफ से, उसके बाद भी तुम महामूर्खों की तरह अगर आंख बंद करके बैठे हो तो तुम्हारे बराबर धूर्त और तुम्हारे बराबर मूर्ख कोई और है नहीं। फिर हो सकता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लगे, हो सकता है तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन सत्य तो कड़वा ही है ना, औषधि तो कड़वी होती है ना। विषस्य विषमौषधम्, रोने की, दुखी होने की, परेशान होने की दवाई भी उसी जैसी होगी ना, उससे कुछ इतर तो नहीं हो सकती। तो इस बात को समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में एक डस्टबिन चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम हूबहू अपनी गलतियां बता सको। जब भी ऐसा आए मौका तो तुम कवायद मत करने लग जाना कि नहीं नहीं ये तो उसकी गलती से हुआ, नहीं नहीं ये तो उसकी गलती से हुआ, नहीं ये तो ऐसे इसलिए हो गया, इसलिए उसलिए किसलिए कुछ नहीं होता। जो भी कुछ होता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम करते हो, तुम्हारे अपने दरवाजे की चाबी किसी और के पास नहीं होती, तुम्ही खोलते हो, तुम्ही एक्सेस देते हो, तुम्ही परमिशन देते हो, तुम्ही सब कुछ होने देते हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बुराइयां भी तो तुम ही आने देते हो, निगेटिव थिंकिंग तो तुम ही आने देते हो। ध्यान रखना, जो बो रहे हो वही काटोगे, ये तुमने सुना तो बहुत बार होगा लेकिन तुम समझते नहीं हो। तुम एक बार जब बुरा सोचते हो किसी के बारे में, कोई भी हो, अब तो शायद आजकल ऐसा 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 हो रहा है मेरे साथ, तो ये हो रहा था कि नहीं, तुमने फोरकास्ट करके अपने माइंड को जरूर करा दिया कि ये हो रहा है। अपनी प्रकृति को पॉजिटिव विचार दीजिए, अच्छाई में अच्छाई मत ढूंढो, बुराई में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, प्रयत्न करो, तुम जीत सकते हो। तुम्हारी डस्टबिन कूड़े से नहीं अच्छी चीजों से भर सकती है, संभालो अपने आप। रिश्तों को चलाने के लिए सकारात्मकता जरूरत है, रिश्तों को चलाने के लिए भगवान शिव बनने की आवश्यकता है। भगवान शिव अमृत बच्चों में बांटते हैं और विश्व में पान करते हैं। हाँ, नीलकंठ है वो, विश्वान कर गए वो, विश्वान मतलब सारी बुराइयां मेरी, अच्छाइयां तुम्हारी, जो कमियां वो मुझ में, अच्छे आप। तो देखो रिश्ता अपने आप को अव्वल हो जाएगा, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, चापलूसी के लिए नहीं, करने के लिए भी, देखिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ध्यान से समझना, सर्प में विष है, सर्प में जहर है, सर्प काट सकता है, सर्प मृत्यु का प्रायक है, उसके बावजूद भगवान उसे कंठ पर रखते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है तुम हमेशा अपने क्रोध को, अपने खराब शब्दों को गले तक रखना, गले के ऊपर नहीं बोलने मत देना, बाहर बताने देना, सूचक है। ज्ञान इसलिए नहीं होता कि तुम अपने आप को अभिमानी समझो, ज्ञान इसलिए होता है ताकि तुम लोगों के लिए बेहतर बन सको, ये सब ठीक हो जाए। आज मैं कह रहा हूं डस्टबिन पर बात है, इसलिए डस्टबिन के बारे में कुछ बात करी। अपने जीवन में अच्छी और बुरी डस्टबिन रखो, विचार करके डालो कि तुम क्या डाल रहे हो। अब मैं अच्छा डाल रहा हूं, मैं बुरा डाल रहा हूं, मैं अच्छा डाल रहा हूं, मैं बुरा डाल रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन पहले हमने सुना कोई एक ऐसा देश है जो जो मच्छर बना रहा है, मच्छर समझते हो ना, मस्केटो, हाँ, वो मच्छर बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं मच्छर। और जवाब में वो क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव मच्छर है, इनको अगर आप अपने यहां छोड़ दोगे तो ये निगेटिव मच्छरों को मार भी देंगे और वहां की सारी आबो हवा पॉजिटिव कर देंगे। आहा,
अब ये भी जानोगे। सकारात्मकता का क्या ये भी एक रूप हो सकता है? पता नहीं। सुनने में तो मुझे अजीब सा लगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए। दुखी होकर के, निराश होकर के अपने ही पैर को कोस रहे हो क्या तुम? गलत कर रहे हो। जरा सा झटके में, जरा सी ठोकर में तुम टूट रहे हो क्या? गलत कर रहे हो। जरा सा उतार चढ़ाव रिश्तों में आया और तुम बिदक रहे हो क्या? गलत कर रहे हो। कुछ थोड़ी सी बातें तुम्हारे कर्ण द्वार से प्रवेश कर हरे हृदय द्वार को विदारित कर रहे हैं क्या? हां, गलत कर रहे हो। अच्छा हो बुरा हो, सब अच्छा होता है, वही तो रिश्ता है। तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेम के अपशब्द सुनकर के भी प्रसन्न होते हैं? आपको पता है वृंदावन में एक संत हुई, वो गालियां देते थे और दुनिया भर से दूर दूर से लोग उनसे गालियां सुनने के लिए आते थे। लोग कहते वो गाली दे दे तो समझो काम हो जाता है, तो लोग उन्हें जानबूझ के चढ़ाते थे ताकि वो गाली दे। गाली से भी प्यार हो सकता है, संतों ने सिखाया। हाँ, हो सकता है। सकारात्मक किसी भी रूप का अच्छा होता है, नकारात्मक किसी भी रूप का बुरा होता है। अच्छी तरीके से किया हुआ कोई बुरा काम भी अच्छा फल देता है। अच्छी नीति के लिए किया गया हो, मंतव्य अच्छा हो, उसके पीछे सोच कर उसके पूरे के पूरे आंसर्स को अपने आप को दीजिए और फिर खड़ा करिए, आप जीत जाएंगे। खैर, सीधे आपको उपाय को लेकर के चलते हैं। आज मैं कह रहा हूं डस्टबिन के, डस्टबिन में ये चीज डालना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में चेंजेस आ जाएंगे। डस्टबिन आपके रिश्ते को, संबंध को, मधुरता को बढ़ा सकती है। डस्टबिन आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। जान लीजिए वो विश्लेषण, वो उपाय। उससे पहले आपके बीच से प्लीज। नाम गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद उसने मुझसे बात की, हालांकि हम वो मुझसे झगड़ा करके चला गया था और उसने बोला कि वो वापस कभी नहीं आएगा। बट पूरे 2 महीने हो गए थे और फिर भी उसने मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हूँ बहुत। थैंक यू सो मच गुरु जी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शुभ आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो, जो भी तुम लेना चाहते हो, सब तुम्हें मिल जाए। अब सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको करना सिर्फ छोटा सा एक काम है, 2 लौंग एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और इसको पकड़ना है रिंग फिंगर और अंगूठे के माध्यम से। थोड़ा पेन होगा इससे पकड़ने में, इसे पकड़ो आराम लगता है, इसे पकड़ो तो भी आराम लगता है, इसे पकड़ो तो भी कोई खास दिक्कत नहीं, पर इसे जब पकड़ो थोड़ा सा खिंचाव आता है। और खास बात, इस उंगली को ऐसे करने में जिसको ज्यादा खिंचाव आता है उसका रिलेशन उतना ही ज्यादा दिक्कत है, वो उतना ही प्यार का भूखा है, उतना ही प्यार की जरूरत है। तो इससे फूल की तरफ से पकड़ना, उसका नोक वाला हिस्सा बाहर रखना और एक इस दांत से थोड़ा काटना, एक इस दांत से थोड़ा काटना और डस्टबिन में डाल देना। तो काट लिया वो खा जाना। ऐसा बार बार करना, कई बार करना, हफ्ते में प्रयत्न करना, 7 के 7 दिन कर पाओ। पहले दिन से फर्क पड़ेगा, पर प्रयास आपको बार बार करने होंगे। इस उपाय को रेगुलर करना, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट ठीक होगा, तुम्हारे बुरे विचार ठीक होंगे, तुम्हारा मंतव्य ठीक होगा, सामने वाले के अंदर प्यार भरेगा, सामने वाला दूर रह ही नहीं पाएगा, तुम्हें रोने के लिए जो विवश कर रहा है वो तुम्हारे चरणों में होगा, तुम्हें रोना पड़ेगा ही नहीं, तुम स्ट्रांग हो पाओगे, मजबूत हो पाओगे, होपफुल हो पाओगे और तुम अपनी लाइफ में सफल भी हो पाओगे। करके तो देखो, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर हाल में आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और खूब ध्यान रखना अपना और अपने प्यार का, बाकी सब ठीक हो सकता है। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, पैसों का आदान प्रदान करना, प्रीवियस लाइफ बताना, ये सब मना है। ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो सब ठीक नहीं हो पाएगा। बाकी मैं तुम पर ध्यान तो रखते हैं, बताइए तुम्हारी हर बात पता है, अच्छी होती है। तुम अच्छा सोचते हो तो भी पता चलता है, बुरा सोचते हो तो भी पता चलता है, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं।
और मैं वैश्य। Thank you.